अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। चलें बगैर टाइम वेस्ट किए ना, हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ पॉइंट ऑफ सेल एक्सेल, POS एक्सेल में। तो आप चेक कीजिए, ये इसका मेन मेन्यू। चलें हम चलते हैं पहले एडमिन सेटिंग में। एडमिन सेटिंग में जाने के लिए आपको एडमिन पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा, जो कि हिडन होता है। यहाँ पर आएगा आपका कंपनी नेम, जैसे कि मैं कंपनी नेम कोई भी रख देता हूँ। डिस्क्रिप्शन आ गई इसकी, इसको हम कर देते हैं सेव। इसकी इमेज लगानी है आपने कोई मोनोग्राम जो कंपनी का, तो हम इधर से कोई इमेज लगा लेते हैं इस पर, जैसे ये लगा लेते हैं। हम इसको सेव के बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब हम बढ़ते हैं सेल की तरफ। ये इसका सेल सेक्शन है और बहुत ही आसान है। ये देखें, सिंपल आपने प्रोडक्ट का कोड टाइप करना है, ये साथ इसकी पिक्चर्स वगैरह भी वेरीफाई करने के लिए। इधर लग जाती हैं क्विक प्रोडक्ट इनके, आप क्विक प्रोडक्ट अपने लगा सकते हैं, 20-30 जितनी भी हैं आपके पास। ये भी मैं आपको बताऊंगा ये कहाँ से सेट होती है क्विक प्रोडक्ट, बहुत ही आसान तरीका है इसका। ये देखें, साथ इसकी डिस्क्रिप्शन आई जा रही है। अगर हमें कोई चीज़ इधर से अवॉइड करनी है, डबल क्लिक करेंगे इधर से अवॉइड हो जाएगी। ये देखें, बिल भी कम हो रहा है। अगर हमको, अब हम बुल्क क्वांटिटी में डालना चाहते हैं, इस पर क्वांटिटी बॉक्स पे क्लिक करेंगे, आइटम कोड डालेंगे, कितने पीस, 10 पीस डाल लेता हूँ मैं। ये देखें, जोकर के 10 हो गए, 16,000 इसका टोटल अमाउंट हो गया। ये अब इधर से अमाउंट जो है मैं ख़त्म कर देता हूँ। चलें हम चलते हैं पेमेंट की तरफ। वो कह रहे हैं अमाउंट लिखनी है पहले हमने, इधर अमाउंट ग्रेटर लेस्ट, ये अमाउंट लेस है जो आपने लेनी है कस्टमर से। चले अब हम, ये पूछ रहा है कि हमने पेमेंट के कहाँ से करनी है, कार्ड से करनी है, कैश से करनी है, या हमने चेक लेना है। तो हम तो चलो कैश पे क्लिक कर देते हैं। अब ये बता रहा है कंफर्म कस्टमर पेड इज कैश 40,000, कस्टमर चेंज पैच 1,500। यस, ये आपका बिल जो है कंप्लीट हो चुका है। ये आप उधर से वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये टोटल आपका सब टोटल आ रहा है। और हमने प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे सिंपल प्रिंट के बटन पर क्लिक करेंगे, तो इसका जो है प्रिंट आउट निकल आएगा। अब हम देखते हैं ऐड प्रोडक्ट में। जी, हमने इधर से अब आइटम नेम सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैं आइटम नेम कोई भी कार लिख देता हूँ, इसको लगा देता हूँ आइटम SK144, प्राइस 1,500, पोस्ट प्राइस इसकी आ गई, स्टॉक इतना है हमारे पास, 5 पीस है। कैटेगरी हम सेलेक्ट कर देते हैं इसकी, जी कोई भी कर लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल ड्रेसेस कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर ड्रेसेस इसकी पिक्चर हमें सेलेक्ट कर देता हूँ। ये हो गया सेव हमारा प्रोडक्ट। अब हमने इसको कोड किया दिया है 144। अब मैं जाता हूँ इसमें पॉइंट ऑफ सेल में 144, सॉरी हमने इसको गलत कर दिया। अच्छा, ये इन्वेंट्री, यहाँ पे पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा अगर हमने कुछ ये नहीं करनी है तो। 144, ये आप देख रहे हैं ड्रेस की पिक्चर भी आ गई और इसका क्या नाम है क्वांटिटी भी आ गई, कितनी कितनी है। चलिए हम इसको कैंसिल करते हैं सेल को। और इसमें स्क्रीन लॉक का फंक्शन है इसमें, अगर हमारे पास स्क्रीन लॉक, हम पासवर्ड कर देते हैं या पासवर्ड नहीं है, तो हम यहाँ से बिल बना सकते हैं, बिल को पुश अप नहीं कर सकते, पुट आउट नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे होंगे कि हम बैग चले जाएँ, बैग जाके दोबारा इसमें मंगाए जाए करना है, इसमें जब हम स्क्रीन लॉक इसका देंगे तब हम इसमें सेल पंच कर सकते हैं। ठीक हो गया, अब चलते हैं हम ऐड प्रोडक्ट में। अब इसमें ऑप्शन है बुल्क प्रोडक्ट का। बुल्क प्रोडक्ट में आपने क्रिएट न्यू वर्क बुक बनानी है, उसमें शीट 1 में पहले मैं कॉलम में आइटम SKU, आइटम नेम, दूसरे में सी में आइटम प्राइस, डी में कॉस्ट, एल में स्टॉक इन, आई में कैटेगरी, सी में मेजर,
एच में एंट्री डेट एंटर करके आपने जो है एग्जांपल अपलोड कर देनी है। यहाँ पे क्लिक करना है आपने, ये मैंने एक रखी हुई शीट, इस पर जाना है आपने। यस, आपका स्टॉक जो है, ये वाली आइटम जो है अपडेट हो चुकी है। अब हम देखेंगे कि ये अपडेट हो गई है। ये देखिए, ये सारी आइटम जो है अपडेट हो चुकी है। अब इसके बाद हम चलते हैं प्रोडक्ट में जाते हैं, प्रोडक्ट कैटेगरी अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं, ये आगे सारी प्रोडक्ट कैटेगरी हम इधर से इसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद आ गया हम यहाँ पे, अच्छा जो मैंने आपको बताया था कि वो क्विक प्रोडक्ट ऐड करने का तरीका, यहाँ पे सेट प्रोडक्ट पे हम गए, 115 ऐड किया हमने, इधर से हमने पिक्चर की इमेज ली, ये हम शूज़ लगा देते हैं 115 पे, 125 ऐड किया, बल्कि 126 ऐड कर दिया, इस पर हम लगा देते हैं बाई। अब हम इसको सेव कर देते हैं, क्योंकि हमने किए हैं अभी सिर्फ दो प्रोडक्ट सेल, तो हम जब स्क्रीन में जाएंगे, सेल में जाएंगे, तो सिर्फ हमारे पास क्विक प्रोडक्ट में दो ही प्रोडक्ट आएंगे। अब हमने तीन प्रोडक्ट ऐड कर दी हैं, ये देख रहे हैं आप, ये तीन प्रोडक्ट ही आ रहे हैं, जोगर है, डिस्क्रिप्शन आइटम नेम, ये तस्वीर इधर भी आ रही है इसकी, ठीक है। हमने कोई भी चीज़ डिलीट करनी है, डबल क्लिक करेंगे डिलीट हो जाएगा सेल, आप कैंसिल करना चाहते हैं जैसे कैंसिल हो जाती है सेल। इसको आप टच में भी यूज़ कर सकते हैं, सिंपल टच है, दोनों यूज़ हो जाता है ये। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं, सेट क्विक प्रोडक्ट हो गया आपका, उसके बाद हम जाते हैं व्यू इन्वेंट्री में। अगर हम इन्वेंट्री देखना चाहते हैं कितनी कितनी, हम व्यू इन्वेंट्री पे क्लिक करते हैं, तो ये देखें ये सारी इन्वेंट्री आ गई, बट आप चेंज नहीं कर सकते एडमिन के पासवर्ड के बगैर इसको, एडमिन आपको पासवर्ड देते वो अलग चीज़ है। इसके बाद हम दोबारा चलते हैं पॉइंट ऑफ सेल में, उसके बाद हम लेडजर देखते हैं, लेडजर की आए, इफ़ यू सी लेजर यस, अगर हम लेजर देखना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करें, हम डेट डालेंगे, फ्रॉम डेट कौन सी डेट से देखना चाहते हैं आप, टू डेट डालेंगे आप, ये लेजर इस टाइम मेरे पास ज़ीरो है, ये भी मैं आपको बाद में दिखा देता हूँ। इसके बाद हम लेजर ऐड करते हैं, नो पे क्लिक करते हैं, अच्छा डेट डालते हैं हम आज की, डेबिट कितना किया 500, ट्रांजेक्शन टाइप लिख देते हैं कैश, क्रेडिट 100 लिख देते हैं, जरूरत तो नहीं है क्रेडिट की, एक ही चीज़ लिखनी है डेबिट हुआ क्रेडिट, कस्टमर नेम लिख देता है, सेल पर्सन लिख देते हैं, रेफरेंस नंबर भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप लिखेंगे तो कोई बात नहीं। ये देखिए अब मैं ऐड कर देता हूँ, अब ये एंटर हो चुका है लेजर, यानी कि हमने लेजर ऐड कर लिया। अब हम देखना चाहते हैं लेजर, तो हम जाएंगे डेट लगाएंगे, कहाँ से कहाँ तक देखना चाहते हैं लेजर हो गया, हम ये देखें आप सारी डिटेल आ गई है, टोटल डेबिट इतना हुआ, टोटल क्रेडिट इतना हुआ, टोटल बैलेंस इतना रहता है, ये सारी डिटेल जो आ जाएगी। टोटल बैलेंस 9000 आ रहा है, अगर हम फ्रॉम डेट पीछे को कर लेंगे 3000 आएगा, क्योंकि हमने डेट चेंज करके भी एंट्री डाली थी। डेट वाइज इसको आप इजीली जो है वेरीफाई कर सकते हैं, इसको हम इधर जनरेट बैलेंस शीट पर क्लिक करके एक न्यू शीट पर भी ले जाके इसको चेक कर सकते हैं हम, कि हमारा कितना कितना एक्सपेंस है, लेने देना क्या है, वो हम ईजीली इसको इधर से वेरीफाई कर सकते हैं। क्लोज करता हूँ, इसके बाद चलते हैं कस्टमर डेटाबेस पे, इधर से हम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, तो चलिए ऑटो मैंने किए इसमें सारी कंट्री एड्रेस करके इसको सेव कर सकते हैं। अगर हमने देखना है तो
और व्यू के बटन पर क्लिक करें।